भाई भाई खिलता है, तुझे क्या मिलेगा इसके बदले? बोले खेलना मेरा स्वभाव है, निजता है, फूल खिलता है अपनी निजता से, उसको खिलने में आनंद है, उसको रिटर्न नहीं चाहिए। सूरज से पूछे भाई तू क्यों उग रहा है, लोग तो मुझे लोटा जल का भी नहीं दे रहे, सोए रहते हैं तेरा स्वागत भी नहीं करते। बोले खिलने में मुझे आनंद है, खिलना मेरा स्वभाव है। हवाओं से पूछो भाई तू क्यों चल रही हो, तुम्हें क्या रिटर्न चाहिए? हवाएं बह रही हैं, बहने में ही आनंद है, नदियों का जल दौड़ रहा है, दौड़ने में ही आनंद है। एक व्यक्ति है इतना कृपण है, इतना स्वार्थी है, वो कहता है कुछ करूंगा इसके बदले में मिलेगा क्या? तुम स्वाभाविक प्रसन्न रहो, कोई कारण ढूंढोगे क्या? अब तुम देखते ही हो तो तुम्हें रिटर्न चाहिए? रिटर्न नहीं चाहिए हमारे को। प्रभु तूने मुझे बंदा बनाया है तो बंदगी तो मेरा स्वभाव होना चाहिए। तूने मुझे बंदा बनाया है तो जैसे फूल का स्वभाव है खिलना और मुस्कुराना, दूसरों की मदद करना तो मेरा स्वभाव होना चाहिए। तूने मुझे बंदा बनाया है तो गर्म स्थानों के लिए किसी मददगार की मदद के लिए दान कर देना तो मेरा स्वभाव होना चाहिए। मैं इसके रिटर्न में अगर तेरे से कुछ मांगू नालायक ही है मेरे। पृथ्वी से पूछो कुछ क्यों अन्न पैदा करती है, तो अपना गर्भ फाड़ देती है, खोल देती है, तुझे क्या रिटर्न चाहिए? रिटर्न में तो मल मूत्र और अपना भार देते हैं हम इसको, नहीं नहीं फ्लशित बना दी, गंदगी डालते हैं और अपना कितना वजन इस पे डालते हैं और ये रिटर्न में क्या दे रही है? इसको तो नहीं चाहिए। तुम कर्म करो, तुम प्रसन्न रहो, तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए प्रेम करना, दया करना, उदारता दिखानी, संयम रखना, सहनशीलता रखनी, किसी के शब्दों को सह जाना, दान करना। मेरा स्वभाव है, मुझे उसने दिया है तो मैं दू, प्रेम दू, तन के सेवा में जुट जाऊं, धन दिया है तो धन से सेवा में जुट जाऊं। ये बंदा है, बंदिया बंद की मूल ना कितनी हुई है, मेरा फिर बंदे कहाँ चल ले? फिर तेरे नाले पशु चंगे, कहाँ खा के दूध प्यार चल ले? कि खट्टे आते उड़ तदबीरा तो ऐमे फोके तो उमजा चल ले? बुल्ले शाह जल विच आया से खटने नो सरुआ गली में गिर। प्रभु ये क्या कम कृपा है, तूने मुझे चुन लिया, फल तो तूने पहले कर दिया। किसी की सेवा लग जाए ना, तुमने ये काम करना है और तुमको बदले में मिलेगा क्या? लाना समझ लेना। प्रभु इतनी दुनिया में मैं ही तुझे दिखा, तुमने मुझे चूज कर लिया, तेरी रहमत की दृष्टि मुझ पर हो गई, फल तो पहले मिल गया। बस बस तेरा स्वभाव बन जाए प्रसन्न रहना, ओवरफ्लोइंग हो जाए, उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। मुझे बंदा बनाया है, मैं प्रभु की कृपा से ओवरफ्लो हो रहा हूँ, इसलिए मैं सब कर रहा हूँ। उसकी कृपा से ओवरफ्लो हो जाओ, आ लिया कुछ कुछ, इसलिए मन करता है देने को। एक छोटी सी बात बड़ी प्यारी फिर याद आई, अकबर बीरबल, बीरबल के गुरु जी तानसेन, तानसेन जी महाराज। तो अकबर के दरबार में बीरबल गाया करता था, अकबर बड़ा प्रसन्न होता था, अरे बीरबल कितना सुंदर तू गाता है, मेरी रूह खुश हो जाती है, तूने जिसे सीखा होगा, अरे वो कैसा गाता होगा, आज मैं उसको मिलना चाहता हूँ जिससे तूने भी सीखा, उनको मेरे दरबार में लाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। शहंशाह वो तो अपने में रहते हैं, वो ऐसे कहीं आया जाए नहीं करते, अगर उनको सुनने की इच्छा है तो वहां चलना होगा जहां वो रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो हमारे कहने से गा दे, ऐसा नहीं है, वो तो मौज में गाते हैं। अरे तुम लाओ जितने पैसे चाहिए, मैं ढेर लगा दूंगा, लेकिन उनको लाओ। लेकिन फकीर ऐसे होते हैं क्या? फकीरों को क्या आते हैं,
निजता से, फूल खिलता है निजता से। स्वभाव है जब मन हुआ, जितनी देर के लिए मन हो गया, जितनी देर के लिए मानने का मन किया, अच्छा नहीं आएंगे तो चलो हमें उनके पास ले चलो। बोले मैं पहले पता करता हूँ कब गाते हैं। तो बीरबल जाते हैं और कुटिया के बाहर तानसेन जी की सुबह से प्रतीक्षा कर रहे हैं कब गाएं। तो आधी रात के बाद भोर का समय और बड़ी सुंदर आवाज कान में पड़ी, एकदम रोमांच हो गया गुरुदेव की ध्वनि सुनकर के, संगीतमय वाणी सुनकर के, और जाकर के बादशाह सलामत से कहने लगे मेरे गुरु आधी रात के बाद गाया आज उन्होंने, कोई पता नहीं है कल कब गाए, मौजे उनकी। बोले बीरबल मुझे ले चल, मैंने सुनना है, तुम इतना बढ़िया गाते हो तो वो कैसे। बोले मैं तो उनके पैर के अंगूठे के नाखून के बराबर भी नहीं बादशाह सलामत, अगर उनका सुन लो आप चलो जी। दोनों देश बदल करके चले गए तानसेन की कुटिया के बाहर, सुबह सुबह पहुंचे, प्रतीक्षारत रहे, पूरी दिन गुजरा, रात गुजरी, आधी रात भोर होने को है, और जैसे ही वो मधुर आवाज कान में पड़ी अपना होशो हवास भूल बैठे, और बार बार बीरबल हिला रहे हैं, अच्छा सुनो सुन रहे हो ना, आपकी आंख बंद है, अरे देखो मेरे गुरु गा रहे हैं। वो अपने तन की शुद्धि से भी परे हो गए, शरीर की शुद्ध ना रही, देह का ध्यास हट गया, इंद्रियां अंतर्मुख हो गई, मन मनन हो गया, बुद्धि निर्विचार हो गई, शून्य की तन्हाई में ऐसे डूबे पता ही नहीं लगा उस महासंगीत को सुन करके उस परम संगीतज्ञ में ही हो गए, सूरत शब्द का मेल हो गया, ऐसा ऐसा संगीत। और जब आंख खुली तो मौन उठ करके चलने लगे, बीरबल पीछे पीछे, बादशाह सलामत क्या हो गया पसंद नहीं आया, आपने एक बार भी वाहवा नहीं की, जब मैं गाता तो आप वाहवा करते ना थकते, क्या हुआ। बोले मुझे ये बता बीरबल, तू ऐसा क्यों नहीं गा सकता जिससे तूने सीखा, मैंने तो आज तक तुझे ही परम संगीतज्ञ समझा, जिससे तूने सीखा तेरे में क्या कमी रह गई। बोले बादशाह मैं दुनिया के बादशाह को खुश करने के लिए गाता हूँ और वो मालिक को खुश करने के लिए गाता हूँ, मैं गाता हूँ इसके बदले में मुझे कुछ मिलेगा इनाम, लेकिन मेरे गुरु गाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ मिल चुका है इसलिए वो गा रहे हैं, अब उन्हें इसके ऊपर कुछ नहीं चाहिए, ओवरफ्लोइंग है, कुछ पा लिया उन्होंने इसलिए वो मस्त हैं, वो बांध रहे हैं, लेकिन मुझे तो अभी जानना है कि मैं गाऊंगा तो कुछ मिलेगा, अगर कुछ मिलने के लिए ही प्राण अटके हैं तो तुम अपने कर्म में पूरा पूरा मन ना दे सकोगे। वो गाय बोले बादशाह मैंने कभी पूरे मन से गाया ही नहीं, मेरा आधा मन तो इसी में अटका रहता था, बादशाह खुश होके देगा क्या, कितना इनाम देगा, जब तक तुम रिजल्ट पर आंख रखे हो मुझे क्या मिलेगा, तो तुम कर्म में 100% ना दे सकोगे, और 100% दिया ही नहीं तो 100% रिजल्ट कहां से मिलेगा, तो तुम मिलने की इच्छा छोड़ दो, अपना 100% दे दो, प्योर कुछ करो, पूरा का पूरा, बस करने में ही आनंद है, आनंद उसमें नहीं है फ्यूचर में क्या मिलेगा, मैं करती हूँ, प्रभु ने मुझे चूज किया है। ऐसे होते हैं फकीर और ऐसे होते हैं प्रभु के भक्त, ऐसे भक्तों के सामने भगवान भी सजदे करता है, राधे। धार्मिक वीडियोस का आनंद लेने के लिए YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।